किसको बताते हैं? जैसे इन्होंने ब्रेड मांगा, हमने कहा हमने दे दिया, काम खत्म है ना, तो लेकिन हम दे रहे हैं लिखा होना ठीक है। जैसे आपका ये लिखा है गुड्स बिटवीन शिफ्ट फर्स्ट ए सर्विस पर बच्चे, ठीक है। इसके बाद आपका ये कितना दिन तक हम लोग पिछली बार भी आए थे आपका दुकान में, इसके बारे में कुछ बोल गए थे, आपने अभी तक फॉलो नहीं किया। ब्रेड वाला ये वाला क्या टैग वाला हमारा लीगल मटेरियल कहाँ पे है? इसके इसके ऊपर आप डेट अप जो एक्सपायरी है ना वो कहाँ लगा है ना, तो इसको प्रॉपर पैकेजिंग एक्ट में आपको करना होगा, नहीं तो 5 to 10,000 से 50,000 तक आपको फाइन लग जाएगा, पेनल्टी बन जाएगा। आप बोल के क्या बोलेंगे क्या आप तो जेस नंबर लिया, जेस नंबर सर बताए को सर सर कहाँ ले जी एस टी नंबर कैसा होगा? जी एस टी नंबर उधर टाला हुआ है कि कहाँ है आपको जी एस टी नंबर? जी एस टी नंबर कहाँ है निकालिए। बोल किया था बेटू को लगाने के लिए, वो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। आपको उधर रखने से होगा, उधर रखने से होगा, आपको तो इधर टंगा के रखना था, ये फ्रेम करके तो क्या वो आपको फ्रेम करके क्यों नहीं रखा आपने? उसको फ्रेम करके यहाँ पर टल दिया, टल दीजिएगा आप ही टलेंगे। पिछली बार भी आए थे हम लोग, 1 महीने पहले आए थे। हम लोग आए थे तो पहले सामान क्या थे, तो आपने कुछ नहीं किया अभी तक। मांगता है वो तो हम लोग तब इंस्टेंट देते हैं, और कभी कभी देना पड़ेगा, ये तो फाइन हो जाएगा। दिस दिस नॉर्मली आप मेंटेन करते हैं, डेली का सेल ऐसे दिखते हैं ना सर? बिल्कुल। अच्छा डेली का सेल आपका ये लाइसेंस दे लाइसेंस ड्रग्स कंट्रोल से। हाँ हाँ और मैं एक बोलती थी ओषुध डॉक्टर जी ओषुध लिखे तो मैंने जो दवाई लिख रहे हैं वो इसी दुकान में सिर्फ मिल रहा है, बाकी दुकान में नहीं मिल रहा है। नहीं नॉर्मल दवाई आप देख सकते हैं, दवाई दीजिए चलिए तो दवाई दीजिए हम लोग चेक करके देखेंगे। नॉर्मल दवाई है एरम्बिक का और ट्राइकेन एमपीएस, ये नहीं मिलेगा बाहर, दिस इज द मेडिसिन ट्राइकेन एमपीएस, ये तो मिल जाता है, मिल जाता है, क्यों मिलेगा? जैसे दुकान में डॉक्टर एक बार जाके खोज लेके आते हैं, दीजिए मुझे भी दीजिए, ये औषध मिलेगा या नहीं मिलेगा, दीजिए प्रिस्क्रिप्शन मेरे साथ चलिए आप। ये रिचार्ज सीआर एलम्बिक का है, ब्रांडेड मेडिसिन एवरीथिंग, ये मिलता है नॉर्मल मिलता है, क्यों नहीं मिलेगा? ठीक है एक बार चेक करके आती है चलिए, तो ये बिल कर रहे हैं आप चलिए हमारे साथ थोड़ा। और ये जो चीज है पिछली बार भी हम लोग आपको बोल के गए थे, इसमें बेस बिफोर लगाना पड़ेगा और कब मैन्युफैक्चरिंग डेट भी करना पड़ेगा, और ये जो पैकेट है वो पैकेट भी तो आपको पैकेट के अंदर नहीं आते। क्या लिखा है ना इसमें, इसमें पैकेज कमोडिटी में तो नहीं हुआ, किसने प्रोडक्ट एक एक रिसीट दिया भाई दिया समडेन जी सर वो दिया तो दे रहा हूँ एक और दीजिए। हाँ अब यहाँ पे हम रिसीव एडवांस लिख देंगे, क्लास की जगह एडवांस नहीं नहीं मतलब एक नॉर्मली हम आपको एक फॉर्मेट बता रहे, अब जब आप अपना कपड़ा लेने आएंगे यू मेक मी द फाइनल पे अलीश, आपको तो पैसा दिया 1,000 rupees तो दिया, तो वो तो एक हाफ पेमेंट है, ठीक है हाफ पेमेंट का आपको आप अगर लेते इसमें
हेलो बिल लिया खरीदे क्या? हेलो नहीं, अब लेना पड़ेगा, आपका अधिकार है ना, राइट से अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आप किससे कंप्लेन करेंगे? मैंने नहीं बेचा, क्यों दूसरा दुकान में डॉक्टर बैठा है, डॉक्टर को दवाई लिखा हुआ। अच्छा आपको ऋषि और डॉक्टर को बैठते थे शेयर शेयर पर है इधर से ठीक है, बात कर लेते हैं। अच्छा दांत का दवाई था क्या वो?